दीप जलाकर जो है खुशी जताई जा रही है, क्या भाव है मन में? बिल्कुल ही हमारे लिए आज यूं समझिए कि राम जी विराजमान हुए हैं। आज के दिन जो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, वास्तव में आज हमने देखा और आज बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे सभी विस्थापितों के लिए और आज यूं समझिए कि राम का राज स्टार्ट हुआ है हमारे लिए। निश्चित तौर पर अगर माने तो एक लंबे समय से इंतजार था इस देश के नागरिक कहलाने का, उसका मार्ग कहीं ना कहीं प्रशस्त हुआ है। मोदी ने आपसे वादा किया और वो पूरा भी हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो कोरोना काल से पूर्व जब सीए लागू होने की बात हुई थी काफी विरोध हुआ था, उसको किस एंगल से देखते हैं? देखें आज काफी लंबे समय से देखो जो इस तरह की पेचीदगी जो पैदा हुई और माहौल खराब हुआ, लोगों को मिसगाइड किया गया इस सीए को लेकर, जो लोगों के दिमाग में और जहन में इस तरह का जो है गलत डायरेक्शन दी गई, ये बहुत ही गलत है। आज मैं आपको चैनल और डिबेट सारी हालात देख रहे हैं कि इसको भी चुनावी मुद्दे से जोड़ा जा रहा है, जो बहुत ही एक शर्मनाक बात है और सोचने की बात है कि एक प्रताड़ित हिंदू, जिस तरह से नेहरू और लियाकत का जो समझौता हुआ था भाई, पाकिस्तान में बनने के बाद अगर कोई हिंदू धर्म के आधार पर या किसी भी परेशानी से अगर वो प्रताड़ित हो रहा है, परेशान हो रहा है, अगर वो देश छोड़कर वापस भारत आना चाहता है तो उसको भारत का संविधान कहता है कि उसको बिल्कुल मान और सम्मान दिया जाए, उसको नागरिकता दी जाए और उसी को यही मकाम और यही आशियाना और उसको बिल्कुल आगोश दी जाए। सर आपसे पूछना चाहूंगा, बहुत खुशी का माहौल है, पटाखे फोड़े गए, दिए जलाए गए, कैसा लग रहा है? सबसे पहले सर हम तो ये कहेंगे कि जो श्री राम जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, मैं तो कह रहा हूँ आज हुई है हमारे पाक विस्थापित समाज के लिए। भारत माता की जय। आज हमने मंदिर के आगे दिए जला के खुशी का इजहार किया। हम बहुत ही धन्यवाद करना चाहते हैं नरेंद्र जी, मोदी जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने हमारे लिए ये सीए कानून लाके और जो भी हमें मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिलेंगी, इलाज से लेके एजुकेशन को लेके जो भी सुविधाएं मिलेंगी उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बच्चों को लेके बड़ी चिंता रहती थी, उनका भविष्य अब कैसा देखते हैं? सर बच्चों को लेके तो बहुत बड़ी समस्या थी। आजकल देखो ये बच्चे, ये पीछे मंदिर भी है, बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मंदिर के अंदर, क्योंकि स्कूलों में एजुकेशन के लिए इनको दाखिला मिलती नहीं है, रजिस्ट्रेशन होता नहीं, आधार कार्ड है नहीं बच्चों के, तो बेचारे कहाँ पढ़े। फिर एक टीचर आता है यहाँ से हमारे पास में से, वो बच्चों को यहाँ मंदिर के अंदर पढ़ाता है। अब ये सारी सुविधाएं हमें मिलेंगी ये कानून लागू होने से। क्या लगता है कि ये कानून लागू होने के बाद अब बच्चों का फ्यूचर एकदम सेफ हो गया? सर हमें तो आज दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है कि बच्चों का जो भविष्य है वो अंधेरे से निकल के एक उज्ज्वल भविष्य का जो निर्माण होगा। और इस कानून को लेके क्या सोचते हैं, लंबी मुराद पूरी हुई है? बिल्कुल, आज हमको यही लगता है, जैसे आज हमारी दिवाली है, हम अगर बीएड कर रहे हैं और काफी हमारे जो बीएससी नर्सिंग करके बैठे हैं वो आज क्या कपटे का काम कर रहा है, क्योंकि नागरिकता ना होने के कारण हमको बिल्कुल कोई भी किसी तरह की सुविधा नहीं है, ना ही हम आगे अपनी एजुकेशन को आगे रख सकते हैं। आज यदि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई वैकेंसी निकली है तो हम अपना एग्जाम देके पास कर सकते हैं, नहीं तो हम भी बीएड करके जो हमारे बुजुर्ग काम करते थे हमको वही काम करना पड़ता है। आप एक समय था जब नागरिकता लेने के लिए जब वो क्षण कब आएगा उसके लिए आंखें पतरा जाती थी, अब क्या सोचते हैं? अभी तो खुशी का माहौल है, बहुत खुशी है तो भाई नागरिकता मिले तो वोट दे दूं, कि वोट के बगैर ऐसे खाली बैठने में कुछ नहीं मिलता है, वोट तो जरूरी है, बस मोदी जी को वोट देने के लिए जो अवसर मिलेगा उसकी खुशी आपके चेहरे पे उगड़ी। बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद मोदी जी का और अमित शाह का। तो ये है जोधपुर के पाक विस्थापित, अगर बात करें तो पाक विस्थापित का एक बड़ा धड़ा जोधपुर में रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या में यदि कहीं पाक विस्थापित रहते हैं तो वो जोधपुर शहर में रहते हैं और पाक विस्थापितों में सीएए लागू होने को लेकर खुशी का माहौल है, बच्चों का भविष्य ने अपना सुरक्षित दिखाई देने लगा और नागरिकता अब आसानी से मिलने की उम्मीद जगी है। कैमरामैन समीर खान के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 राजस्थान, जोधपुर। सीएए की अधिसूचना जारी होने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है और ऐसी एक तस्वीर मैं आपको इंदौर के राजवाड़ा से दिखा रहा हूँ, जहाँ इंदौर सांसद शंकर लालवानी जो है आतिशबाजी जलाकर सीए का जो फैसला आया हुआ है उसका स्वागत किया जा रहा है, जश्न का माहौल है और जो लोग हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं, वो तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं कितने लंबे समय से आप लोग इंतजार कर रहे थे और इस फैसले को कैसे देखते हैं। हमने तो जब से होश संभाला जब से ही देख रहे थे। इंदौर सांसद शंकर लालवानी से ही बात करेंगे सर, बड़ी लंबी लड़ाई थी और अगर सिंधी समाज की बात की जाए तो बड़ी संख्या में यहाँ से डाथी रहते हैं। आज वहाँ के जो अल्पसंख्यक है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबकी ये मांग थी कि नागरिकता मिलनी चाहिए और वर्षों से ये मांग कर रहे थे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज पूरी की और देख रहे हो आप लोगों के चेहरों पे किस्सा उत्साह है कि अब वो सम्मान के साथ यहाँ जी सकते हैं जो वहाँ के नागरिक थे।
आपने आपका नाम भी बड़ा लंबे समय तक इसमें याद किया जाएगा क्योंकि बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपने भी इन समाज के लिए। इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस प्रकार लोगों की परेशानी थी उसको लेके हम काम कर रहे थे और आज वो सपना पूरा हुआ। क्या कहेंगे दीदी आज के प्रश्न के लिए? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, हम बहुत आभारी हैं सिंधी समाज, जिनको नागरिकता के लिए इतना प्रताड़ित होना पड़ता था, आज सीएए कानून पास करके माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जी की गारंटी है, हर काम के लिए उनकी दूरदृष्टि है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इंदौर के राजवाड़ा में जश्न का माहौल है और यही तस्वीर सिर्फ इंदौर ही नहीं तमाम जगह देखिए, ये दूसरी तरफ भी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आतिशबाजी चलाई जा रही है, पटाखे जलाए जा रहे हैं, एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है और ये तस्वीर हम आपको इंदौर के राजवाड़ा से दिखा रहे हैं। तो चारों तरफ सीए को लेकर उत्साह का माहौल है और इंदौर में सीए को लेकर बड़ा जश्न भी मनाया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय बुआसान, मित्रेश गुप्ता, न्यूज 18 इंदौर। रात के अहमदाबाद में हमारी मौजूदगी है और सीए के लागू होने के बाद आप देखें किस तरीके से यहाँ हिंदू रिफ्यूजी कॉलोनी में रहने वाले लोग घरों से बाहर आ गए हैं, इकट्ठा हो गए हैं और इनके लिए अब वो मौका आ गया है जब ये फाइनली सेलिब्रेट कर सकते हैं, जश्न मना सकते हैं। ऐसे कई परिवार यहाँ पर हैं जो पहले या पाकिस्तान से, सिंध प्रांत से यहाँ पर आए हैं और यहाँ रह तो रहे थे लेकिन नागरिक नहीं थे, और अब जब ये बात सामने आई है कि सीए लागू हो रहा है, एक एम्पावर्ड कमिटी को दिया गया है काम जो पर्यावरण इसका करेगी, हम लोगों के लिए शायद समझना भी इस चीज को मुश्किल है, लेकिन वो लोग जो 30-30 सालों से यहाँ रह रहे हैं, नागरिक नहीं है, अपने बच्चों के कुछ काम करवाने के लिए, स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता था नागरिकता, अब 30 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंतजार खत्म हो रहा है, सीए को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और ऐसे में इनकी खुशी का यहाँ ठिकाना नहीं। कैमरा पर्सन सुनील यादव के साथ प्रियंका कांटपाल, न्यूज 18 इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात।